लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपने एक औरत होकर इतने सारे मर्दों का मुकाबला किया? मर्द? ऐसे चूहन को मर्द का हथौका? ना वो मर्द थे ना औरत, बीच के थे साले। वो तो हमका मौका नहीं मिला, वरना हमारी पूरी चूड़ियां उतार के उनके हाथ में धर देते। आप जैसी झांसी की रानी का नाम पूछ सकता हूँ? हाँ, वैसे हमरा नाम दुर्गा है, मगर हमरा सजनवा प्यार से तनिक रुका सजनी कहत है। ये लो, आ गए हमरा सजनवा। अरे चलो भैया, अब बढ़े लो अपनी दुकानवा, चलो चलो। हेलो हेलो हेलो। ये प्रेस वाले यहाँ क्यों आए थे? ई पोस्ट कल अखबार में छपेगा, शायद ई पोस्ट भी छपेगा। दारू कैटे पे दंगा क्या इसलिए आए थे ना? गाँव में हमारी फोटो बाबूजी देखेंगे कितना खुश होंगे। दुर्गा इधर देखो। वो कहाँ है सजनवा? हम बहुत बढ़िया काम कर लिए ना, इसीलिए। अच्छा ये तो बताओ, वो दारू वाले का क्या हुआ जिसकी हम धुलाई किए? होना क्या है, छोड़ दिया और क्या। ये लो, तो फिर पकड़ा कहे? जब पकड़ा तो फिर छोड़ा कहे? अगर छोड़ते नहीं तो नौकरी छूट जाती। अरे ससुरा, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है, ऐसा कैसा सजनवा? देखो अब सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारी फोटो छप रही ना अखबार में, बस यही सोचकर खुश रहो। हाँ भैरव का एक फटका खाकर जमीन को छाटने लगा ना, मेरे को मेरे नुकसान का पूरा पैसा होना रे, पूरा पैसा, मेरे को एक एक पैसे का हिसाब होना रे। क्या बोला? मैं आपके नुकसान की पूरी वसूली करूंगा। वसूली नहीं हुआ तो ट्रेन के आगे कूद कर मर जाना, गटर का ढक्कन खोल के उसमें कूद कर मर जाना, अपना थोबड़ा नहीं दिखाना। क्या बोला मैं? भैरव परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस औरत के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। एक मामूली पोटी के लिए मुझे कानून का डंडा लेना होगा रे? हाँ ये मजाक का वक्त नहीं है भैरव। मजाक की छुआ रे? भैरव की इज्जत के साथ, भैरव की ताकत के साथ, भैरव की पावर के साथ, तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस घमंडी पोटी का घमंड तोड़ डाल, दबा दे साली को जमीन के अंदर, जिंदा काट दे जिंदा। कौन से इंस्पेक्टर की चोरू है वो? कौन से इंस्पेक्टर की? इंस्पेक्टर अजय हियर। हेलो इंस्पेक्टर अजय, मैं एसपी चौरसिया बोल रहा हूँ। यस सर। मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अंबरगांव में आतंकवादियों ने डेरा डाल दिया, जहां पर मिनिस्टर साहब जाने वाले हैं। तुम और इंस्पेक्टर प्रकाश अपनी सारी पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंचो। ओके जी सर। अरे हम बोल रहे हैं सजनी। अरे सजनवा, सॉरी 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 सॉरी। कैसन है हमारी सजनी? हाँ तोरी याद माँ, तोरे इंतजार में वही गीत गा रही थी जो बचपन में तोरे संग गायत रही। अब बचपन की बातें भूल जाएं और हमारी बात सुने। मैं और प्रकाश का ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, हो सकता है हम कल वापस आए। सजनवा तो का आज की रात हमको अकेले ही काटनी पड़ेगी। समझने की कोशिश करो सजनी। अरे सजनवा हमको भी साथ ले चलो ना, आधा केस तो हमें निपटाई देंगे। अरे हम मिनिस्टर साहब के बंदोबस्त के लिए जा रहे हैं, वहाँ आतंकवादियों को बहुत डर है। का? सजनवा तनिक संभाल के जाना। अरे तुम्हारे सजनवा को कुछ नहीं हो सकता, फिक्र मत करो। वो तो हम जानत है, हमारा मरदवा शेर है शेर। सजनवा मूड में है। अरे ओ मेरी माधुरी। बोल मेरे पाई दुनी के अनिल कपूर। हाँ तो की माँ मिलाईची कथा बरोबर लगाना और तमाकू थोड़ा जास्ती। हाँ और उसमें जरा ठंडक भी मार देना।
ये ले। सब बरबो डाला ना। हाँ सब मार के दिए ले। साला फुकटचन उधारी का डिब्बा। ए, मेरे को बोली क्या रे? नहीं नहीं तेरे को नहीं बोली मैं। वो तो मैं फुकटचन नफट गिराई को याद कर रही थी, तेरे को नहीं बोली। हाँ मैं। कौन है वो? साला दररोज कुत्ते की माफक फुकट में पान खा के जाता है। उसको तंबाकू भी जैसी चाहिए हाँ, और ठंडक भी जैसी मांगता है साला हरामी। तेरे को नहीं बोली मैं। मेरे को नहीं बोल रही ना, तो जरा दिल खोल कर बोल ना। वैसे वो हरामी है कौन, मेरे को बताना कभी। हाँ घर जाके आईने में अपना थोबड़ा देख। अच्छा कुछ लगेला है क्या? हाँ लगेला है, आता जा। अरे जा ना, कशाला डोक खातो। जा ना चायला कशाला डोक खातो। अरे वो सांगा। अरे काय का सांगा, वो वोकल इंस्पेक्टर का एक फटका पड़ा तो कुत्ते सरी का जबान खोल के मेरा नाम बक दिया रे साला। अरे मैं नहीं डरता किसी से रे, मैं उस इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े करके चील को वो खिला देता साला। इंस्पेक्टर आ जाएगी तो मैं ऐसे नजरें गाड़ के क्या देख रहा रे, कच्चा खा जाएगा क्या? प्रकाश FIR लिखो। आपकी जाती लिख दिया था, मुझे पूरा यकीन था ये आदमी यहाँ जरूर आएगा। ये क्या हो रहा है, आ गया तू SP? बड़ा जल्दी आया रे तू, कहाँ था अब तक? ये क्या मजाक है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कैसेट मरने वाले का आखिरी बयान। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों क्यों? ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जिसमें साफ लिखा है कि मरने वाले के सर पर एक गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसलिए जो कुछ भी इस कैसेट में है बिल्कुल बेमतलब बकवास है। इसका मतलब उसे कोर्ट ले जाना पड़ेगा? नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है। तुम एक काम करो जय, ये जो FIR है ना इसे फाड़ दो। सर ये शुभ काम आप खुद ही कर लीजिए और मुझे एक नया FIR बनाकर उस पर दस्तखत करके दे दीजिए। ओके लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे चौरसिया फाड़ दे FIR। अरे मैं कैसे फाड़ सकता हूँ? कितना फाड़ दे, मैं नहीं फाड़ सकता। सुन भैरव, जब एक पुलिस अफसर FIR लिखता है ना तो बड़े से बड़ा नेता उसे नहीं फाड़ सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है, ये कानून है। अरे बारे तू आज भैरव को कानून सिखा रहा है? जब तेरा दारू का मुकदमा रफा दफा किया तब तेरा कानून किधर था रे? जब तेरी अय्याशी के लिए मैं साला गेस्ट हाउस बनाया तब तेरा कानून किधर था रे? और जब तेरी बेटी को मेडिकल सीट दिलवाया तो कितना गैर कानूनी काम किया तब तेरा कानून किधर था रे? सुन रे, आज तेरे को एक पन्ना फाड़ने को बोला तो तू मेरे को कानून का डंडा दिखा रहा रे। तेरे को छोटा दस्तखत करने को बोला, तेरे मेरे बीच में कानून की कुर्सी आ गई। धीरे बोल। क्या धीरे बोल साला, तू भूल गया तू वर्दी कानून की पहनता लेकिन रिश्वत मेरी खाता है? तू भूल गया तू थोड़े थोड़े पैसों के लिए मेरे आगे पीछे कुत्ते सरी का दौड़ता है? तू भूल गया रे, भूल गया रे तू, सब कुछ भूल गया तू। हाँ अजय साले सीनियर ऑफिसर को गाली देता है, कानून को गाली देता है, ये क्या कर रहा है? सर आपको कुत्ता बोल रहा है सर, ये वर्दी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी तो मैं स्टॉप इट। सही है भैया सही है, कल शनिवार है परसों इतवार, कोर्ट तो सोमवार को ही खुलेगा, आज नाइट शिफ्ट में इसे खुलवाता। अरे रात को क्यों? अरे नहीं 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 सुनो सुनो मेरी बात सुनो, है भैरव जैसी अस्थि को दो दिन लॉकअप में रखना ठीक नहीं। एक काम करते हैं अभी मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, चल। अरे चित्रगुप्त ये जेल है, यहाँ पर मत लो। मेलू नहीं नहीं चित्रगुप्त यहाँ मत लो। अरे लू नहीं यहाँ मत मत लो, यहाँ मत। जब 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 आपकी किताब छपेगी ना ये फोटो उसमें बहुत काम आएगा। अरे किताब ये फोटो नहीं छपेगा, तुम मत ले मत ले चित्रगुप्त। मल्लू भैया ये तुमने कहा कर दिया, कहा कर दिया, अब जाओ यहाँ से, मैं सब संभालूंगी, भागो यहाँ से। काय झालं दुर्गा? इका खून होई गावा और खूनी उस सावित्री का घर में घुस गया। अरे बाप रे, ए मारला रे मारला, खून झाला, ए बस्ती वालों बाहर आ जाओ, देखो ये लाश पड़ी है और खून हो गया इधर। अरे देखो
पुलिस स्टेशन। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट और अजय की आपसे दुश्मनी की वजह से ये मेरे इज्जतदार क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं योर ऑनर, ये सब गलत है। एसपी साहब की नजरों में हमारी पत्नी उनकी बेटी जैसी है और इस रिश्ते से ये हमारे ससुर जी लगते हैं। और भला ससुर और दामाद में कभी दुश्मनी हो सकती है? कुछ लोगों ने गवाहियां दी हैं कि आपके ससुर साहब, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि एसपी साहब के किसी औरत से नाजायज ताल्लुकात हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको एसपी साहब की मर्दानगी पर शक है? अरे हमें सीनियर ऑफिसर हैं, कोई भी हरकत करें हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कानों में रुई ठूस लेनी चाहिए, मुंह सी लेना चाहिए। अरे पूरा डिपार्टमेंट के बारे में यही कहता है, मगर मुझे यकीन नहीं था, मगर अब। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर अजय, जब तुमने एसपी साहब को गिरफ्तार किया तो वो किस हालत में थे? बड़ी बुरी हालत में थे। योर ऑनर, मैं अपनी ड्यूटी देके लौट रहा था, इतने में एक चीख की आवाज सुनाई दी। वहां जाके देखा तो हमारे एसपी साहब धोबी घाट के गंदे कपड़े की तरह नीचे पड़े हुए थे। पब्लिक ने लाते और घूसे मार रही थी। पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि हमारे एसपी साहब कच्चे बनियान में, ऊपर से तौलिया, खून का इल्जाम। इन्हीं की वजह से पब्लिक ने हमारे डिपार्टमेंट को सर ऊंची ऊंची गालियां दी हैं, जिन्हें सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। स्टॉप इट, स्टॉप इट। यही तो मैं पब्लिक को कह रहा था भाई, स्टॉप इट। कम से कम उस बेचारे को अपने कपड़े तो पहन लेने दो, नंगा तो ना पीटो। कोई मेरी बात सुने तब ना, सब चढ़ जा रहे हैं उस पर, घूसे मारे जा रहे हैं। फिर मैंने साइड में आकर सोचा, भाई ये तो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। बट हाउ कुड आई डू दैट, हाउ कुड आई डू दैट। मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मेरा जमीर सब मिलकर बोले नो, ड्यूटी इज ड्यूटी। इस सिचुएशन में अगर आप भी होते, मेरा मतलब है कोई भी होता, तो मैं उसे गिरफ्तार कर लेता, क्योंकि मैं एक वफादार और ईमानदार ऑफिसर हूं। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चाहूं सर? क्या सर? थैंक यू। कोर्ट इज अर्जेंट। सजन वा, क्या हुआ? क्या हुआ? हमने सपना में देखा कि तुमने शहर भर के गुंडों को पकड़कर जेलवा में डाल दिया। तो एक आवाज से उठाया हमका? नहीं नहीं नहीं, और भी है। क्या? बाद में बताऊंगी। अरे अरे बताओ ना क्या है। हमने सपना में देखा कि हम सपना देख रहे हैं। सपने में सजन वा पलंग पर लेटे लेटे एक सपना देख रहा था। हमने तोरे सपने में जाकर जो देखा तो पता चला हमरा सजनवा भी वही सपना देख रहे हैं जो सपना हम भी देख रहे थे। मतलब तोरा सपना और हमरा सपना एक। मिलॉर्ड, मैं दुर्गा को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ग्रांटेड। तुम इन्हें पहचानती हो? वकील बाबू, हम इनका कैसे भूल सकते हैं, ये तो सीताराम है ना। सीताराम भाई, तुमने तो इनका नाम ही बदल दिया। नहीं जज साहब, ये तो वही है ना, रघुपति राघव राजो राम, पति तपावन सीताराम। जहाँ खून हुआ वहां तुम क्या कर रही थी? हम तो रास्ते, बाल ठीक करो ना, हम तो रास्ते में जा रहे थे। तो फिर तुमने वहां क्या देखा? हम तो वो देखा वकील वा, कि लग गवा 1000 वोल्ट का करंट वा, ये तो हमरे पिता समान है। इसलिए हम अब भी सोचे थे जो हमने देखा, काश वो गलत होता, हमरी आंखों का धोखा होता। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ससुरा हमरे पिता जैसा इतना बड़ा पाप करेगा। ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, जो तुमने देखा सिर्फ उतना बताओ। अरे हमरे पिता जैसन प्राणी आज संकट में है, इसलिए हम रोवत है, तो का ड्रामा लगत है। जज साहब, वकील साहब को जल्दी घर भेज दो, फिर हम सब खुल के बताएंगे। ये गलत है, तुम ये बताओ कि वहां हुआ क्या था। हम अपने सजनवा के इंतजार में भरी बरसात में अपने घर के आंगनवा में बैठे थे। अरे तुम असल बात पर आती क्यों नहीं? ये लो, पूरा मामला बताएंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे, और समझाएंगे नहीं तो न्याय होगा कैसे। देखो जो हुआ है वो बताओ। हाँ जज साहब, जोरदार तूफानी बारिश, एक जोरदार चीख की आवाज, हमरी जान हलक में अटक गई साहब। एसपी साहब उस लाश के पास खड़े थे, हमको देखकर एकदम चौंक गए।
एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह गिड़गिड़ाने लगे। ये खून के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना बेटी, और रोते रोते सावित्री के घर में घुस गए। तभी वहाँ लोग जमा हो गए और हमको पूछा ये खून किसने किया। हमने सोचा बोले कि नहीं बोले, तभी सावित्री देवी की घर की दीवार से कुत्ते जैसन कूद के जो भागा, क्या जंप मारा। फिर पब्लिक तो पब्लिक ही है, उन्होंने सोचा खून ही भागा तो कुत्ते जैसन पीट पीट कर हुलिया बिगाड़ दिया बेचारे का। अब वो खून उन्होंने किया है कि नहीं, सावित्री देवी से इनका है कि नहीं, ये तो भगवान जाने। हमरे लिए ये तो पिता समान है। हम एकदम ठीक बोला कि नहीं, हाँ बोलो सीताराम।